गर्मी बढ़ने के साथ ही नींबू की मांग में इजाफा हो गया है। मांग बढ़नी शुरू हुई तो इसके दाम भी आसमान छूने लगे हैं। नींबू का कहीं 150 तो कहीं 200 रुपए किलो का दाम चल रहा है। इसकी बिक्री करने वालों का कहना है कि कभी नींबू का इतना दाम नहीं हुआ है जितना कि अब हो रहा है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में अच्छी क्वालिटी के एक नींबू की कीमत 10 रुपए है। गर्मियों के दाम में तेजी आती थी लेकिन इतना इजाफा कभी नहीं होता पाया। इस समय मुंबई के बाजारों में प्रति किलो नींबू की कीमत गुणवत्ता के हिसाब से 150 से 220 रुपए तक है। हालात ये हैं कि बाजारों में अब अच्छे क्वालिटी के नींबू कम दिखाई दे रहे हैं। उत्पादन में कमी के कारण मार्केट में आवक कम हो गई है। गर्मियों में नींबू की मांग आम तौर पर बढ़ जाती है। लोग गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी खूब पीते हैं लेकिन इस बार दाम में रिकॉर्ड तेजी ने उपभोक्ताओं के दांत खट्टे कर दिए हैं। नींबू औषधीय गुणों से भरपूर होता है। नींबू विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। गर्मियों में खास तौर पर इसकी डिमांड बढ़ जाती है लेकिन ऐसा नहीं होता कि दाम 3 गुना अधिक हो जाए। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में नींबू का खूब उत्पादन होता है लेकिन इस बार बेमौसम बारिश और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं के कारण उत्पादन में भारी गिरावट हुई है जिसकी वजह से कीमतों में बढ़ोतरी आई है। व्यापारियों का कहना है कि चूंकि उत्पादन कम है तो गर्मियों में इसका दाम तेज ही रहने का अनुमान है। मुंबई के दादर मंडी में लोग नींबू के भाव सुनकर ही आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं। गर्मियों में नींबू खूब जरूरी चीज है, ऐसे में कोई घर कैसे चला पाएगा। पहले 70 से 80 रुपए किलो बिकने वाला नींबू अब 3 गुना दाम तक बिक रहा है। नींबू की खेती में महाराष्ट्र काफी आगे है। इसमें किसान कम लागत में अधिक कमाई कर पाते हैं। कृषि क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि नींबू का बाग एक बार लगाने के बाद 3 दशक तक फल दे सकता है। आमतौर पर 3 साल बाद फल आना शुरू हो जाता है। हर साल गर्मियों में इसके दाम में तेजी आ जाती है लेकिन इस बार जिन किसानों के नींबू के बाग में फल अच्छे हैं उनकी अच्छी कमाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।